हर्षितल मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, अनम्यूट कर लीजिए। सर अभी मैं ऑडिबल हूँ? अभी आवाज आ रही है? यस मैम, ऑडिबल। ओके, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, किस्मत को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती, कश्तियों को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षितल है और अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। और आज के इस हार्ट टचिंग सेशन में, इस BBS में, मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी भी टाइम है, अपनी अपनी टीम में कॉल कर लीजिए। और आई होप आप आज डायरी पेन लेकर बैठे होंगे। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो आज मैं इन्वाइट करने जा रही हूँ हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर, जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और उन्होंने यूपी से बिलोंग करते थे और पंजाब में आकर, प्रदेश में आकर इस बिजनेस को किया और आज वो ग्लोबल ब्लैक डायमंड है। और इस सफर में उन्होंने बहुत सारी कामयाबी हासिल की, 1CR क्लब के मेंबर बनने जा रहे हैं और बहुत सारे फॉरेन ट्रिप ले रहे हैं और वो हमारे सबके मेंटोर हैं, ग्रेट टीचर हैं और ग्रेट ट्रेनर है। उनकी शिक्षा ले लेकर हम सभी कामयाबी के रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। और आज आपकी गनगनाती तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे ग्रेट ग्लोबल ब्लैक डायमंड डॉक्टर शक्ति जी। सर, ओवर टू यू। सर अनम्यूट कीजिए। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज के इवनिंग सेशन में आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं बहुत ही खास हैं और इनकी जो स्टोरी है दोस्तों, अगर आपने सुन लिया ध्यान से, तो दोस्तों आपके लाइफ में कभी भी कोई कंप्लेन और कोई भी जो है वैसा कोई बात रह नहीं जाएगा कि आपको कामयाबी से रोक सकता है। बड़ी हमारे खास मेहमान हैं दोस्तों, देवी का धरती उत्तराखंड, देवियों का धरती उत्तराखंड से हैं, बिल्कुल साफ सुथरी धरती से हैं दोस्तों। और इन्होंने स्ट्रगल करके नॉट ओनली अपने आप को GBD तक लेकर गए, अपने टीम में बहुत सारे कामयाबी निकाला है दोस्तों। मैम की अगर एजुकेशन की बात करें, मैम MA BEd है, एक सिंपल हाउसवाइफ थे और 7 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया था। इस बिजनेस करने के पहले एक प्राइवेट जॉब करते थे और यहाँ से दोस्तों आज के डेट में एक मोदी केयर बिजनेस के टॉप लेवल पे आ चुके हैं। महीने का 3.5 लाख प्लस की इनकम को चेक ले रहे हैं दोस्तों, और पैशी मोड की इनकम रियल एग्जांपल है हमारे मैम। पैशी मोड के इनकम के लिए 3 BHK का इन्होंने 90 लाख रुपए की फ्लैट बुक कराई है, बहुत सारे फॉरन ट्रिप लिए, फॉरन ट्रिप में तो हम साथ ही होते हैं मैम के, और इको स्पोर्ट गाड़ी चला रहे हैं। तो दोस्तों, एक हाउस वाइफ जब ठान लेती है कि मंजिल को प्राप्त करना है तो अपने घर परिवार के साथ साथ इस समाज में भी तहलका मचा देती है। और आज दोस्तों उस आयरन लेडी को सुनने का हमें मौका मिला है। तो आप सब दोस्तों ध्यान से पूरी सेशन को अटेंड कीजिएगा। मैम की एक एक टीचिंग जो है, एक एक बात जो है, इतनी भावुकता से बताते हैं, इतनी अच्छी से बताते हैं कि आपके दिल तक टच होएगा। और आप देखेंगे कि अगले महीने यानी कि अगस्त महीने का जो क्रांति महीना होने जा रहा है, उसमें आपके बिजनेस में 4 चांद लगने वाली है। तो मैं आप सबके जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाह रहा हूं हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड मैडम कांता साह मैम। वेलकम मैम, वेलकम टू यू। थैंक यू शक्ति कुमार जी। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग लीडर्स, मैं कांता शाह। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, बिल्कुल सही मैम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग लीडर्स, नाम कांता शाह है, उत्तराखंड हल्द्वानी से बिलोंग करती हूँ, जैसा अभी डॉक्टर शक्ति जी ने बताया है। सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ और मोदी केयर बिजनेस को पिछले 7 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। और आज थैंक्स करना चाहूँगी डॉक्टर शक्ति का, डॉक्टर मुनीश सर का, हर्षितल जी का, आप सभी लोगों का, जिन्होंने की मुझे आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जगह दी है।
तो थैंक यू मनीष सर, थैंक यू डॉक्टर शक्ति, इतना सम्मान देके आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। ये मोदी केयर की ताकत है। यहाँ पे मोदी केयर में कोई भी सिंपल से सिंपल इंसान भी एक बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच सकता है और अपने आप को, अपने नाम को कमा सकता है। ये जो हम सभी लोगों ने ये चीजें महसूस की है, तो थैंक यू वेरी मच सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक सिंपल से हाउसवाइफ हूँ, पिछले 7 सालों से मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और मोदी केयर से पहले की बात करें तो जॉब क्लास थे, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक थी, लेकिन जॉब क्या करते थे, और जब जॉब करते थे तो पता है आप सभी को कि जॉब में होता क्या है, कॉम्प्रोमाइज की लाइफ होती है। जो चीजें पसंद आती हैं उसको हम ले नहीं सकते हैं और भविष्य हमारा बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि होना क्या है। तो ऐसे ही लाइफ को काट रहे थे, लेकिन चाहते नहीं थे ऐसा कुछ करना, चाहते बहुत कुछ बड़ा करना चाहते थे लाइफ में, फ्यूचर को अपने सिक्योर करना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे जिस प्रेजेंट में हम लोग जी रहे हैं उसी प्रेजेंट में उसी लाइफ को वो लोग भी काटे। तो कुछ प्लेटफॉर्म की तलाश थी, मोदी केयर बिजनेस मिला, उसको स्टार्ट किया, हस्बैंड ने उसको स्टार्ट किया और आज 7 सालों के बाद वो सारी चीजें पा पा रहे हैं जो जो हम चाहते थे अपनी लाइफ में। तो मैं एक पीडीएफ के थ्रू सर शेयर करना चाहूंगी अपनी स्टोरी को, तो मैं पीडीएफ शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के सामने और मैं अपनी स्टोरी को पीडीएफ के थ्रू ही शेयर करूंगी। मेरी पीडीएफ शो हो रही होगी सर? जी जी मैम हो रही है। हाँ जी मैम हो रही है। थैंक यू मैम। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर मेरा तस्वीर नजर आ रहा है आप लोगों को, जिसमें ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर लिखा हुआ है और मैं लकी हूँ कि मैं मोदी केयर में हूँ और मुझे इतना सम्मानजनक लेबल मिला है जो मोदी केयर का हाइएस्ट लेबल होता है। चलिए बात करते हैं फैमिली बैकग्राउंड की। शादी से पहले की बात करें तो ये मेरे मम्मी पापा हैं और इस साइड जो देख रहे हैं आप, ये 3 जनरेशन को शो कर रहा है जिसमें मेरी नानी माँ है, मेरी मम्मी है और मैं हूँ। जैसे हमारा मोदी केयर बिजनेस जनरेशन वाला बिजनेस होता है, वैसे यहाँ पे एक बार आलोक जी ने, हम लोग नानी के यहाँ गए थे तब ये फोटो ली थी, इसमें मेरी बेटी नहीं है, नहीं तो वो जनरेशन भी आपको नजर आती। तो ये मेरे मम्मी पापा और यहाँ पे मेरी मम्मी, मेरी नानी जी और मैं हूँ। ये क्या शो कर रहा है मैं थोड़ा सा आपको प्रेजेंट करती हूँ। और इसके नीचे मेरी फैमिली है, हम लोग 4 सिस्टर्स हैं और राइट साइड में आपको 4 गर्ल्स दिख रही होंगी जो कि हम लोग हैं, हम लोग सिस्टर्स हैं। और लेफ्ट साइड में मेरे को आपको एक फैमिली दिख रही होगी जहाँ पे मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया भाभी और हम लोग हैं। एक ओकेजन में हम लोग गए थे तो ये वहाँ की तस्वीरें हैं। और अब कहानी शुरू होती है नेक्स्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक मैरिड कपल, 18 जनवरी 2004 की ये बात है जहाँ पे ये शादी की फोटो है हमारी। इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इससे पहले की जो लाइफ थी हमारी बिल्कुल स्मूथ थी। स्मूथ मीन्स कि हम लोग जॉब क्लास थे और जॉब क्लास में होता क्या है, जितनी लिमिटेड इनकम होती है उस लिमिटेड इनकम में हम अपना गुजारा करते हैं और सपनों की बातें हम भूल जाते हैं। तो ऊपर वाली पिक्चर्स में ऐसा ही कुछ था कि हम पूरी फैमिली जॉब क्लास थे, पापा जॉब करते थे, अभी रिटायर्ड हैं, हम लोग भी जॉब करते थे और अपनी लाइफ को ठीक ठाक गुजार रहे थे। मतलब जितनी इनकम मिलती थी उसमें हम अपने शौक पूरा किया करते थे, बड़े सपने देखना वहाँ पे मना था। तो लाइफ
ठीक ठाक चल रही थी, आगे की जिंदगी का कुछ पता नहीं था और हम चले जा रहे थे। अब लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, शादी हुई 18 मार्च 2004 को, मैं आई उत्तराखंड। ये जो उससे पहले की तस्वीरें हैं ये एमपी भोपाल की, मेरा जन्म भोपाल में हुआ है और वहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण सारी चीज़ें हुई हैं। एमपी के बाद मैं सीधे आ गई उत्तराखंड और उत्तराखंड में हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। लाइफ ने पूरा टर्निंग पॉइंट लिया, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में, दोनों लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। शादी के बाद सभी की होती है, पर्सनल लाइफ सभी की चेंज होती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी यहाँ बहुत बड़ा चेंज आया। क्योंकि आज से पहले हम जॉब में थे और जॉब के ही तरह हम अपनी लाइफ को गुजार रहे थे, यहाँ आते कुछ सपनों की बातें शुरू हो गई, कुछ बड़ी बड़ी बातें, कुछ सफलता की बातें शुरू हो गई और समझ में नहीं आया कि ये जिंदगी है क्या। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आलोक जी बहुत बड़े ड्रीमर थे और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसी बीच में उनको मोदी केयर मिला। और जैसा कि हमने लिखा हुआ है, डेट ऑफ जॉइनिंग हमारी 25 अगस्त 2013 थी और इस दिन हमारी लाइफ में मोदी केयर आया था। जैसा कि मैंने बताया, आलोक जी बहुत बड़े ड्रीमर थे, बहुत बड़े बड़े सपने देखा करते थे और उनको नॉर्मल लाइफ समझ में नहीं आती थी, तो स्ट्रगल करना, आगे जंप करना, वो सारी चीज़ें उनको समझ में आती थी कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए, क्या क्या किया जाए कि लाइफ में वो सारे सपने पूरे हों जो कि वो हम और आप सभी लोग देखते हैं। तो नेटवर्क इंडस्ट्री उनको ऐसी समझ में आई जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान बहुत बड़े सपने पूरे कर सकता है, जो मिडिल क्लास फैमिली या जो चाहे वो लोग यहाँ पे सफलता पा सकते हैं। तो उन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री को स्टार्ट किया आज से लगभग बहुत साल पहले, 2013 में मोदी केयर मिला। लेकिन मोदी केयर से पहले भी उन्होंने इंटरनेशनल कंपनी में काम किया, जिसका हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन बहुत फेमस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन वहाँ पे सीखा बहुत कुछ, पाया बहुत कुछ भी नहीं। तो सीखने का नतीजा ये हुआ कि उनको एक चीज़ तो पता चल गई कि नेटवर्क इंडस्ट्री में ताकत तो बहुत बड़ी है। इस नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर हम आ जाते हैं तो हमारे जैसे नॉर्मल इंसान अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों तक जा सकते हैं। इसी बीच में खोजबीन शुरू की उस इंडस्ट्री, उस कंपनी को छोड़ा, क्योंकि वहाँ पे सीखा तो बहुत कुछ लेकिन पाया कुछ नहीं और गवाया बहुत कुछ। तो तलाश हुई कुछ अच्छी कंपनी की, तो इंडियन कंपनी में आलोक जी को मोदी केयर मिला। 2013 में मोदी केयर स्टार्ट किया आलोक जी ने और ये उनकी ज्वाइनिंग डेट थी। दोस्तों ज्वाइनिंग डेट अलग होती है और डिसीजन डेट अलग होती है। तो ज्वाइनिंग डेट थी, लेकिन आलोक जी तो काम कर रहे थे, मैं नहीं उनके साथ थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था इससे पहले जो धोखे हुए थे नेटवर्क इंडस्ट्री में या जिस कंपनी में वो थे, नेटवर्क इंडस्ट्री की तो बात नहीं करूँगी, जिस कंपनी में वो थे धोखे भी नहीं हुए थे, उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि कंपनी वो भी बुरी नहीं थी, उनको सफलता नहीं मिली। तो विश्वास डगमगा गया और जब विश्वास डगमगा गया तो मैंने नेटवर्क में काम करने से मना कर दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हमारी गुरु माँ सुरेखा मैम हल्द्वानी आई। 2016 की बात है, 25 जून 2016 को मैं आलोक जी ने बाय फोर्स मुझे सुरेखा मैम से मिलवाया और यहाँ से मेरा, मैं अपना पर्सनल बात करूँ, आलोक जी तो सीरियसली कर ही रहे थे, लेकिन मेरी डेट ऑफ डिसीजन 2016 में स्टार्ट हुई और यहाँ से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब बात आती है पैसिव इनकम की। आप लोगों को दिख रहा है हर्षितल जी? मैम आपकी आपकी साइड से नेट में प्रॉब्लम है, थोड़ा आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। आवाज क्लियर नहीं है। जी 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 मैम, आवाज क्लियर नहीं है। जी मैम, आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है। ओके,
अभी मैम कंटिन्यू कीजिए, आई थिंक सही है, कंटिन्यू कीजिए मैम। अच्छा ठीक है, ओके ओके जी जी। चलिए ऊपर आपको कुछ हॉस्पिटल की तस्वीरें नजर आ रही होंगी, अभी आवाज क्लियर है मैम? जी मैम जी। ओके थैंक यू थैंक यू। ये आलोक जी है और हम लोग एक हॉस्पिटल की तस्वीर, ये आपको नजर आ रही होगी। यहाँ से एक बिलीव जो मोदी केयर के ऊपर बिलीव है वो मैं पेश करना। एक टाइम ऐसा था 2017 में ब्लड कैंसर, इस ब्लड कैंसर से हमारी जो दुनिया थी वो डगमगा गई। लेकिन दोस्तों मोदी केयर है तो हम खड़े थे, क्योंकि आप जो तस्वीर देख रहे हैं वहां पे हम हॉस्पिटल में हैं, और इस हॉस्पिटल में रहने पे जब 2017 में डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि आलोक जी को ब्लड कैंसर है, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने एक बात और डिक्लेयर की कि आप एक साल तक दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। हम थे उत्तराखंड में और हम इलाज के लिए गए थे दिल्ली, लेकिन डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि आप एक साल तक दिल्ली छोड़ के नहीं जा सकते। तो एक साल हम हॉस्पिटल के अंदर आलोक जी का इलाज करा रहे थे, गंगाराम हॉस्पिटल में हम लोग थे। और मोदी केयर की ताकत देखिए, ये हम मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि मोदी केयर की ताकत देखिए कि एक साल काम नहीं करने पे भी हमने जो पिछले 2 से 3 साल काम किया था, पहले आलोक जी ने और फिर हमने मिलके जो काम किया था 2 से 3 साल, उसमें छोटा छोटा नेटवर्क हमारे पास आ गया था, और इस नेटवर्क के थ्रू जो हमारा टर्नओवर हो रहा था उससे हमको छोटी छोटी इनकम आना शुरू हो गई। ये इनकम लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये उस टाइम पे हमारे पास आता था। एक साल हम दिल्ली में रहे, ना हम कोई काम कर पाए ना हम कुछ कर पाए, लेकिन उसके बाद भी ये पैसिव इनकम हमारे पास लगातार आती रही। जिस कठिन दौर पे हमको पैसों की जरूरत थी और हम काम भी नहीं कर पा रहे थे, ये मोदी केयर बिजनेस हमको लगातार पैसा दे रहा था दे रहा था दे रहा था। ये पैसिव इनकम का एक बहुत बड़ा, यहाँ से हमको मोदी केयर के ऊपर और ज्यादा विश्वास क्रिएट हुआ और हमने इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाया। और जब हम एक साल के बाद दिल्ली से डिस्चार्ज होके वापस उत्तराखंड आए तो ये 80 से 90 हज़ार रुपये 1.5 लाख में कन्वर्ट हो चुके थे। ये मोदी केयर की ताकत है, जहाँ पे हम करते हैं तो वो सारी चीज़ें पा जाते हैं, बस पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको फैमिली बिजनेस के रूप में क्रिएट करना शुरू किया। ये मेरी बेटी हैं आलोक जी हैं और मैं हूँ। और इसके बाद जब करना शुरू किया तो क्या क्या अचीवमेंट हुई, हमको बहुत सारे फॉरेन टूर मिलना शुरू हो गए, गाड़ी मिलना शुरू हो गई, हमारी मोदी केयर से पहली गाड़ी तो स्पोर्ट्स हमने ली, वर्किंग कार जिसको हम बोल सकते हैं। 90 लाख का 3 BHK विला पॉश एरिया में हमने हल्द्वानी में बुक करवाया है, और साथ में बहुत सारा मान सम्मान जिसके लिए कि हम तरसते हैं। हम काम तो हर जगह करते हैं लेकिन मान सम्मान शायद मोदी केयर के अलावा आपको और किसी फील्ड में मिलेगा नहीं। 100-100 किलो की माला, गुलाबों के फूलों की माला, सुरेखा मैम के हाथों जो मेंटोर हमको सिखा रही हैं उनके हाथों हमारे गले में पड़ना कितनी बड़ी बात हो सकती है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी गुरु के हाथों अपने गले में कोई माला डलती है और यहाँ पे ये मान सम्मान मिलता है। तो ये सारा मान और सम्मान भी मोदी केयर में मिलता है। आगे आप देख रहे होंगे समीर मोदी जी के साथ हमारी फोटो है। जिस कंपनी का ओनर इतना पोलाइट इतना हम्बल है कि एक छोटे से नाचीज को गले लगा के रखते हैं, वो कैसी कंपनी होगी सोचने की बात है। तो आप देख सकते हैं कि समीर मोदी जी ने हम दोनों के गले में हाथ डाला हुआ है। और ऊपर आप देख रहे हैं हम लोग कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम पूरी टीम के साथ में हैं, जहाँ पे फ्रंट लाइन में हमको बैठने का मौका मिल रहा है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है मोदी केयर में। तो मोदी केयर अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो भी कर लीजिए, क्योंकि आज से पहले मुझे भी समझ में नहीं आया था। लेकिन
कुछ चीजें अट्रैक्ट की थी और हमने इसको कंटिन्यू किया और आज वो सारी चीजें पा पा रहे हैं जो जो हम लाइफ में पाना चाहते थे लेकिन नहीं पा रहे थे। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको जरूर बताऊंगी कि ये सारी चीजों के पीछे था क्या, ये सारी चीजें हमको मिली कैसे, हमने क्या क्या की, ये सारी चीजें मिली हमको, हमने क्या सीखा इसमें, कैसे कैसे अपने आप को चेंज किया, वो सारी चीजों के ऊपर कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी। सबसे पहले हमने अपना माइंडसेट किया दोस्तों, इस बिजनेस में आने के लिए हमारे पुराने माइंडसेट को हमको चेंज करना होता है और हमने भी ऐसे किया। हमारा जो पुराना माइंडसेट था वो माइंडसेट था जॉब का, जिस जॉब में हमको लिमिटेड इनकम मिलती थी, हम कॉम्प्रोमाइज की लाइफ को जीते थे, हमारे चारों ओर वही लोग थे जो लोग बोलते थे नहीं आगे नहीं बढ़ा जा सकता, वही माइंडसेट को हमको यहाँ पे चेंज करना था। यहाँ पे सब लोग बोलते थे यस, हाथ से हाथ बढ़ाइए आगे बढ़ने के बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, सुरेखा मैम हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम बढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं है ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया, हमने अपने माइंडसेट को माइंड को सेट किया कि यस, या अगर हमको बड़ी दुनिया देखनी है, अगर हमको अपने बच्चों के लिए फ्यूचर सिक्योर करना है, अगर हमको बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं, अगर हमको उन सक्सेसफुल लोगों के बीच में जाना है और खुद भी सक्सेसफुल होना है तो अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, उस पुराने माइंडसेट से नए माइंडसेट में अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, अपने पुराने माइंडसेट को बदलकर सक्सेस के माइंडसेट में लेके आए। ये माइंडसेट है क्या, ये माइंडसेट बोलता है कि पुरानी चाबियों से नए ताले नहीं खुलते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नए ताले खोलने के लिए नई चाबियों का ही यूज करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो पुराना हमारा माइंडसेट होता है उसमें हम अपने नई चीजों को डालेंगे तो वो चीजें हमारी वैसे ही बर्बाद हो जाएंगी। जैसे कि हम जब कोई चीज सीखने के लिए जाते हैं और हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें भरी रहती हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में घुसेंगे नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस दिमाग को पहले खाली करना पड़ेगा, उस दिमाग को छोड़ना पड़ेगा और नई चीजों को भरने के लिए हमको अपने दिमाग को जब हम खाली करके उस मीटिंग को अटेंड करेंगे, उस सेशन को अटेंड करेंगे, उन सक्सेसफुल लोगों की बातों को सुनेंगे तो वो चीजें हमारे अंदर आती जाएंगी और सक्सेस हमको मिलना बिल्कुल मुमकिन होगा। तो इसी तरह से हमने पहले क्या किया, अपने माइंडसेट को चेंज किया। सेकंड थिंग क्या होती है, बिलीव, हमको बिलीव करना होगा। किस पे बिलीव करना होगा, सबसे पहले तो अपने आप पे बिलीव करना होगा। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है, हम विश्वास से बड़े पहाड़ को गिरा सकते हैं और अगर शक हमारे दिमाग में आ गया तो उसी पहाड़ को हम फिर से खड़ा कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा अपने आप पे, हम सक्सेस दे पाएंगे या नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। आपको सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में, तो अपने आप पे विश्वास करना होगा, नेटवर्क इंडस्ट्री पे विश्वास करना होगा। आपको समझना होगा कि इस नेटवर्क इंडस्ट्री की ताकत क्या है, क्यों इस इंडस्ट्री में इतने लोग सक्सेस ले रहे हैं, क्या हम इस इंडस्ट्री में सक्सेस दे सकते हैं। पुरानी जो बातें थी वो बातें थी सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज की, अब ये नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सक्सेस ले रहे हैं, हम करोड़ों रुपए की इनकम ले रहे हैं, हम लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं, हम अपने बड़े बड़े सपनों को सच कर रहे हैं। तो क्या करना होगा, बिलीव करना होगा, बिना बिलीव के कुछ नहीं हो सकता। तो बिलीव नेटवर्क इंडस्ट्री पे करना होगा, बिलीव अपनी टीम पे करना होगा, आपकी टीम, आपकी जो लव लाइन होती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, उन पे बिलीव करना होगा। हर एक इंसान को आपको जीवीडी समझना होगा, हर वो प्रोस्पेक्ट जो आपके पास आया है उस पे बिलीव करके उसको जीवीडी मानिए और उस तरह से उसके साथ बिलीव कीजिए, उसके साथ बिहेव कीजिए, तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हैं। कंपनी पे विश्वास कीजिए, आपकी कंपनी क्या है, क्या कर रही है, आपके लिए क्या दे रही है, आपको कहाँ तक पहुंचा सकती है, ये सारी चीजें समझिए और विश्वास कीजिए अपनी कंपनी पे। ट्रेनिंग सिस्टम एंड डेवलपमेंट, अपनी ट्रेनिंग सिस्टम पे विश्वास कीजिए और अपनी अपलाइन पे अंधा विश्वास कीजिए। जो अपलाइन आपको हाथ पकड़ के
आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, जो अपलाइन आपको इस सिस्टम में लेके आई है, जो डूइंग अपलाइन आपको ये सिस्टम बता रही है, उस अपलाइन पे आपको अंधा विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हैं। जो हमने किया वो हम आपके सामने रखते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 100% सबमिशन टू द सिस्टम, सिस्टम के प्रति आपको सबमिट होना पड़ेगा। हर चीज का एक सिस्टम होता है, जहां भी हम कोई काम करते हैं, अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं, अगर हम कोई कोर्स करते हैं, हम कोई प्रैक्टिकल कोर्स करते हैं, हर चीज का एक सिस्टम होता है। और उस सिस्टम पे जब तक हम सबमिशन नहीं करेंगे, जब तक हम सबमिट नहीं होंगे, तब तक हम उस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते। मोदी केयर का भी एक सिस्टम है, अगर आप सिस्टम के प्रति सबमिशन होते हैं, सबमिट कर देते हैं अपने आप को। हमारे समीर मोदी जी ने हमारे लिए बहुत बड़ा सिस्टम बनाया है, हमारी मेंटर, हमारी गुरु माँ सुरेखा मैम ने हमारे लिए बहुत बड़ा सिस्टम बनाया है। हम अपना दिमाग नहीं चला के अगर उस सिस्टम के प्रति अपने को सबमिट कर देते हैं, तो हम इस बिजनेस में आगे बहुत आगे ग्रोथ कर सकते हैं, जैसा हमने किया। हम आज भी अपने मन से कोई काम नहीं करते, हमारे पास दिमाग है, लेकिन शायद इस बिजनेस में हम सक्सेस नहीं है। जब तक हम इस बिजनेस में सक्सेस नहीं है, तब तक हम उन सक्सेसफुल लोगों के सिस्टम को फॉलो करेंगे जिन्होंने इस बिजनेस में बहुत आगे तक कदम रखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, अपने सिस्टम के प्रति सबमिट होना है, अपने अपलाइन के सिस्टम के प्रति सबमिट होना है, अपने कंपनी के सिस्टम के प्रति सबमिट होना है। तो सिस्टम के प्रति सबमिशन एक बहुत बड़ा पार्ट है मोदी के बिजनेस में सक्सेस लेने के लिए। इट इज अ बिजनेस दैट टेक्स टाइम टू ग्रो, बी पेशेंट। ये एक बिजनेस है, इसमें ग्रो करने के लिए आपको ये टाइम लेगा। हम आज आए कल हमें सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम नहीं है कि आपने पैसा डाला, लॉटरी का टिकट निकाला, लॉटरी निकली तो आप खुश, अदरवाइज आप फेल। यहाँ पे सिस्टम में टाइम लगता है, ये एक पूरा बिजनेस है, यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होता है। यहाँ पे सक्सेस तो मिलती है लेकिन टाइम टेकिंग, तो जितना टाइम कम से कम आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस को सामने रख के इस बिजनेस में आगे बढ़ना होगा, कम से कम 3 से 5 साल का पेशेंस आपको मोदी केयर में रखना होगा। जिस दिन आपने 3 से 5 साल का पेशेंस मोदी केयर में रख लिया या नेटवर्क इंडस्ट्री में रख लिया और सिस्टम से कनेक्टेड रहे, सीखते रहे, समझते रहे, तो आपको सक्सेस लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। हम आज आए, हमने 4 लोगों ने हमको मना किया और हमने बोला कि बिजनेस नहीं चल पाएगा, हम इसमें सक्सेस नहीं ले सकते, और हमने बिजनेस को छोड़ दिया। तो छोड़ना किसी भी समस्या का हल नहीं है, हमको उसको और ज्यादा सीखना है। जिस दिन भी जब भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, इसका सीधा सा कारण है कि आपको और ज्यादा सीखना है, और ज्यादा सीखना है। तो जितना ज्यादा हम सीखते जाएंगे, हम उस बिजनेस में उतना ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। पेशेंस एक बहुत ज्यादा जरूरी, एक स्टोरी मुझे याद आ रही है पेशेंस के ऊपर, टाइम टेकिंग के ऊपर। एक बाबा थे, वो बाबा जब भी नाचते थे बारिश होती थी, पेशेंस की बात हो रही है, और वो क्या करते थे कि लोगों ने बोला उनको कि आप ऐसा क्या होता है आपके पास कि आप नाचते हैं और बारिश होती है, नाचते और बारिश होती है। उन्होंने एक गांव में अकाल पड़ा हुआ था और उनको इनवाइट किया, और वो जब गए, उन्होंने नाचना शुरू किया। 1 दिन गुजरा 2 दिन गुजरा 3 दिन गुजरा, बारिश नहीं हुई, लेकिन उन्होंने नाचना बंद नहीं किया। पेशेंस की हद ये होती है, उन्होंने नाचना बंद नहीं किया। बादल 4 दिन के बाद हल्के हल्के बादल दिखने लगे, वहां पे मीडिया भी आ गई, सारे लोग के आज तो हम देखते रहेंगे कि बाबा करते क्या है ऐसा कि ये इनके नाचने पे बारिश होती है, ऐसा तो कोई कमाल हो नहीं सकता। सारी मीडिया आ गई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, 2 दिन हो गया 4 दिन हो गया 6 दिन हो गया, बारिश नहीं हुई, लेकिन बाबा ने नाचना बंद नहीं किया। एक दिन ऐसा आया जब बहुत घनघोर बादल छा गए और 7वें 8वें दिन हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी, और फिर थोड़ी देर बाद देखा गया कि बहुत ज्यादा बारिश उस गांव में होने लगी। अकाल जो था वो गांव वाले बहुत खुश हुए। लास्ट में बाबा से पूछा गया कि आप बाबा क्या करते हो कि बारिश हो जाती है,
तो बाबा ने कुछ नहीं, बाबा ने बोला मैं कुछ नहीं बोल करता हूँ, मैं सिर्फ टाइम का इंतजार करता हूँ, पेशेंस रखता हूँ और तब तक नाचता रहता हूँ जब तक कि बारिश नहीं होती। तो ये एक टाइम टेकिंग बिजनेस है जहाँ पे आपको जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म बिजनेस का लॉन्ग टर्म टाइम टाइम को देखते हुए 3 से 5 साल का टाइम आपको लेना पड़ेगा इस बिजनेस में सक्सेस लेने के लिए। वर्क विद बिग टीम, आपको जब यहाँ पे काम करना है तो यहाँ पे हम छोटे सपनों के साथ सक्सेस नहीं ले सकते। छोटे सपने तो हम नॉर्मल लाइफ में अपने किसी भी काम से पूरे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है बड़े ड्रीम्स की। तो यहाँ पे हमको हमेशा बड़े सपने देखने, सुरेखा मैम बोलती है बड़े सपने देखो और उन सपनों को बोलना शुरू करो, तो बड़े सपने यहाँ पे पूरे होते हैं। लाखों रुपए के इनकम की बात जब हम करते हैं तो वो सपने पूरे होते हैं। जब हम ड्रीम बोर्ड बनाते हैं और उसमें हम अपने ड्रीम्स लिखते हैं और लोगों के सामने वो एक्सपोज करते हैं, उनके सामने बार बार बोलते हैं उन ड्रीम्स को, तो वो ड्रीम्स पूरे होते हैं। करोड़ों रुपए की इनकम, आज सुरेखा मैम 25 करोड़ रुपए महीने की इनकम ले रही है। आज मुनीष चोपड़ा जी को देखिए, लगभग 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। ये क्या है? ये बिग ड्रीम्स है जो इन्होंने देखे हैं और इनको पूरा करने के लिए उन्होंने सीखा है। तो यहाँ पे छोटे सपनों के साथ हम सक्सेस नहीं ले सकते, छोटे सपने हम और कामों से भी पूरे कर सकते हैं। मोदी के बिजनेस में हमेशा बड़े सपने पूरे होते हैं और बड़े सपने जो लेके आता है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस में टिका रहता है। और जब हमारे सामने कोई भी परेशानी आती है, हमको 10 लोग मना करते हैं, हमको 20 लोग मना करते हैं, हमको 50 लोग मना करते हैं, तो ये जो बड़ा सपना है ये हमारे सामने आ जाते हैं और वो जो हमारे स्ट्रगल्स हैं वो सारी चीजें हमारे बड़े सपनों के सामने छोटी पड़ जाती हैं। और इस तरह से हम बड़े सपनों के साथ में आगे बढ़ते हैं और वो सफलता पा जाते हैं। तो हमेशा नेटवर्क इंडस्ट्री या मोदी केयर में आप जब भी आए तो बड़ा सपना और लोगों के सामने बोलना शुरू कीजिए, जैसा सुरेखा मैम आपको सिखाती हैं। अगर बोलना शुरू किया तो वो पिंच करता है हमको काम करने के लिए और हम उसके बगल में एक्शन बोर्ड भी बनाते हैं और साथ में हमारा काम शुरू होता है और वो सपना हमारा एक ना एक दिन पूरा होता है। तो हमारा जो मोदी के बिजनेस में सक्सेस का एक सपना देख इंडिविजुअल कन्वर्ट टीम, देखिए ये जो बिजनेस है ये टीम वर्क, यहाँ पे इंडिविजुअल का कोई काम नहीं। हम एक व्यक्ति को ज्वाइन तो कराते हैं लेकिन उसको टीम में कन्वर्ट करना हमारा काम होता है। हम इंडिविजुअल के साथ में काम नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल को टीम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम उसकी यूजर आईडी के थ्रू उनका उसका एक रजिस्ट्रेशन को कर देते हैं, फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, उसको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं सिस्टम में ले जाके। और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जैसे बनता है तो वो लगता है और वो अपनी टीम क्रिएट करने लगता है, वो टीम का एक हिस्सा बन जाता है। और इस तरह से हमको इंडिविजुअल को टीम में कन्वर्ट करना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि बिना टीम के हम काम नहीं कर पाएंगे। एक इंडिविजुअल के साथ मिलकर हम बहुत बड़ा वर्क नहीं कर सकते। उस इंडिविजुअल को टीम में कन्वर्ट करना है, उसको एक्टिविटी सिखानी है, उसको सिस्टम सिखाना है और इस तरह से हमको एक जो भी जिस भी प्रोस्पेक्ट के साथ हम काम करते हैं हम उसको टीम में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि टीम क्या कहता है? टुगेदर एवरीथिंग अचीव मोर, हम साथ में मिलकर बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमको इंडिविजुअल को टीम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बी एंथुसियास्टिक, इसका तो बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे मुनीश सर है। मुनीश सर पूरे ऑल ओवर इंडिया में पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री में उत्साह का एक बम है और इनको देख के जो भी उत्साहित ना हो पाए उनका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन एग्जांपल अगर दिया जाए तो मुनीश चोपड़ा सर से बड़ा एग्जांपल हम उत्साह के उसमें हम किसी का नहीं दे सकते। तो ये जो बिजनेस है ये उत्साह का बिजनेस है, हमेशा खुश रहने का बिजनेस है। अगर आप उत्साहित रहते हैं तो आपकी टीम भी उत्साहित रहती है। और जब उत्साह के साथ हम किसी को कोई प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, हम हमेशा
उत्साहित रहते हैं, खुश रहते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं वाला हमारे देख के, हमारे उत्साह को देख के हमारे साथ ज्वाइन होता है। और जब वो देखता है कि जब इतना उत्साहित बंदा हमारे साथ है, ये जब इतना एक्साइटेड बंदा, इतना खुश बंदा हमारे साथ है, तो क्यों नहीं हमारी ग्रोथ होगी। तो ये बिजनेस हमेशा उत्साह मांगता है और उत्साह ही आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। ऑलवेज बी रेडी टू लर्न एंड चेंज। ये बिजनेस हमेशा सीखना मांगता है, हमेशा आपको लर्निंग मोड में रहना मांगता है। बिना लर्निंग मोड के ये बिजनेस आपको बहुत आगे तक नहीं ले जा सकता। तो हमेशा सीखने के लिए तैयार होइए, चेंज होने के लिए तैयार होइए। ये बिजनेस में हम पुरानी वही, फिर से वही बात आ रही है कि पुरानी जो भी चीजें हैं अगर हमने वो सीखी है और हम अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझ रहे हैं, ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस फील्ड में फेमस है, आप उस फील्ड में सक्सेसफुल है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री को सीखने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपके लिए नई है। यहाँ पे आपको चेंज भी होना पड़ेगा। पुराने जो घिसे पिटे तरीके हैं उनसे हमको अपने नए तरीकों में आना पड़ेगा। हमको दिखना पड़ेगा, हमको नए ड्रेसअप में आना पड़ेगा, हम पुराने ड्रेसअप को चेंज करना पड़ेगा। कभी भी देखिए नेटवर्क इंडस्ट्री या मोदी केयर में आप देखेंगे, जब भी कोई मीटिंग होती है तो आप किसी को भी देखते प्रोफेशनल दिखते हैं हमेशा। जेंट्स को देखिए कोट पैंट टाई में रहते हैं हमेशा, या फिर हमारे मोदी केयर की बंडी में रहते हैं, या बहुत वेल ड्रेस रहते हैं, शर्ट पैंट में रहते हैं। लेडीज को देखिए साड़ी में रहती है, सूट में, सोबर ड्रेसेस में रहती है। तो चेंज तो करना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे इस बिजनेस में हम बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। मैं भी MBBS थी, आलोक जी MSc फिजिक्स थे, बहुत बड़ा ज्ञान था उनको भी, बहुत ज्यादा नॉलेज थी, लेकिन वो नॉलेज उनकी उस फील्ड में थी। इस फील्ड में आने के लिए हमको सीखना पड़ा, हमको दिल्ली, हमको यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था। हम दिल्ली जाते थे सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। उत्तराखंड में जब हम आए थे तो उत्तराखंड उस टाइम पे नया मोदी केयर उस टाइम पे लॉन्च हुआ था, नया। यहाँ पे ना कोई सिस्टम था, ना कोई DP थी, ना कुछ था। तो हमको सिस्टम समझने के लिए यहाँ से दिल्ली जाना होता था। जहाँ पे सुरेखा मैम बुलाती थी हम वहाँ जाते थे, उस सिस्टम को फॉलो करते थे, अपनी टीम को वहाँ पे ले जाते थे और सिस्टम को फॉलो करवाते थे। तो सीखना तो पड़ेगा, और सीखते हुए आज 7 सालों के बाद वो सारी चीजें पा पा रहे हैं जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो सीखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। बिना सीखे आप मोदी केयर बिजनेस में बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। सीखना क्या क्या है? सीखना है हमको 100% यूजर होना। हम मोदी केयर में आपकी आवाज सॉरी आ रही है, अब आ रही है, ठीक है मैम। ओके, हाँ जी मैम आ गया, सॉरी नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण आउट हो गई। वेलकम मैम। सीखना क्या पड़ेगा? सीखना पड़ेगा 100% यूजर होना। हमारे मोदी केयर में लगभग 700 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो हमारे डेली नीड्स के, जो हमारे घर में ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। मार्केट से ना लेके मोदी केयर के प्रोडक्ट को हमेशा 100% यूजर हो जाए, ये हमको सीखना पड़ेगा। हम छोटी छोटी चीजों के लिए मार्केट भागें, ये नहीं एक बार का स्टॉक हम एक महीने में रख लें ताकि उसका यूज का हमको आदत पड़ी रहे। तो 100% यूजर हमको होना पड़ेगा। डेमोज, कम से कम 10 डेमो में हमको मास्टरी होनी पड़ेगी। सीखने में ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। लिस्ट हमारे पास, हमको लिस्ट बनाना आना चाहिए। हमारी लिस्ट में रोज अपडेट होनी चाहिए, रोज हमको नए नाम लिस्ट में एड ऑन करने चाहिए। ये सारी चीजें हमको सीखनी है। प्लान प्रेजेंटेशन हमको आना चाहिए, जो भी प्लान कंपनी का है उस प्रेजेंटेशन को हमको अपने अपलाइन से लिख समझ के सीख के, और तब हमको परफेक्शन के लिए प्लान प्रेजेंटेशन। फॉलो अप, हमको फॉलो अप सीखना होगा। हमारे पास सभी लोग एक बार में नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम उनको बार बार फॉलो अप करते रहे तो एक ना एक दिन वो हमारे पास जरूर आते हैं। तो फॉलो अप एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है
मोदी केयर बिजनेस में फॉलो अप हमको सीखना पड़ेगा। डुप्लीकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट डुप्लीकेशन है, ये सारी चीजें हम तो सीख गए लेकिन नेटवर्क है, हमको नेटवर्क बनाना है, हमको टीम बनानी है। जब तक हम उसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे, अपनी टीम को डुप्लीकेट नहीं करेंगे वो सारी चीजें, तो हमारा टीम नहीं बन सकता, हमारा नेटवर्क क्रिएट नहीं हो सकता। तो डुप्लीकेट करना किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में डुप्लीकेशन को बुरा माना जाता है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में, मोदी केयर में डुप्लीकेशन को बहुत अच्छा माना जाता है। जितना ज्यादा हम अपनी चीजों को डुप्लीकेट करेंगे, जो हमने सीखा वो हम अपनी टीम को सिखाएंगे, तो हमारा नेटवर्क बहुत अच्छी तरह से क्रिएट होगा, हमारी टीम बहुत अच्छी तरह से सीखेगी और स्ट्रांग बिजनेस बिल्ड होगा। तो डुप्लीकेशन बहुत मेन पार्ट है पर्सनल प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मोदी केयर में आपने मैं अपना एग्जांपल दूं, आज से पहले लगभग सात साल पहले जब मैं थी तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, आज भी सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, लेकिन 7 साल पहले मैं 4 लोगों के सामने अपना नाम भी नहीं बोल पाती थी। क्या हुआ? मैंने सीखा, मैंने जिस चीज से मुझे डर लगता था उस चीज को बार बार करने की प्रैक्टिस की, बार बार करने की। मुझे स्टेज से बहुत डर लगता था, मैं स्टेज में जाने में मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे, कोई माइक पकड़ा दे तो मेरी हालत खराब हो जाती थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे इस बिजनेस में ग्रोथ करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे बहुत बड़ी सक्सेस लेनी है। तो मैंने उस डर को फेस किया, मैंने उस स्टेज को फेस किया और बार बार उस स्टेज में गई, बार बार उस माइक को पकड़ा, जितनी बार हाथ कांपे उतनी बार उस माइक को पकड़ा। क्या हुआ? पर्सनल प्रोग्रेस हुई। आज हजारों लोगों के सामने खड़े करके बुलवा दी थे, आज हम बेहिचक अपने आप को ग्रोथ कर चुके हैं। ऐसे ही हमारी टीमों में बहुत सारे लोग पर्सनल ग्रोथ कर चुके हैं। तो पर्सनल ग्रोथ बहुत जरूरी है मोदी केयर बिजनेस में, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे काम करते हैं मोदी केयर में, अगर हम 2 से 3 घंटा निकाल लें तो मोदी केयर बिजनेस हमको वो सारी चीजें दे सकता है जो आप पाना चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मोदी केयर। हम मोदी केयर में ग्रोथ तो करना चाहते हैं लेकिन टाइम निकालने में हमको बहुत ज्यादा हम आनाकानी करते हैं। हम बोलते हैं कि 1 घंटा हमारे पास टाइम नहीं है, उस टाइम हम सोते हैं, उस टाइम हम टीवी देखते हैं, उस टाइम हम मार्केटिंग करते हैं, हम बहुत सारे काम उस 1 से 2 घंटे में करते हैं, लेकिन मोदी केयर के लिए टाइम नहीं निकालते और उसके बाद बोलते हैं मोदी केयर नहीं चलता, हमारे बस की बात नहीं है। तो मोदी केयर में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जिस तरह हम और कामों के लिए टाइम निकालते हैं, मोदी केयर के लिए भी अगर आप 1 घंटा निकालें तो ये बिजनेस आपको बहुत बड़ी ग्रोथ दे सकता है। बैलेंस लाइफ, देखिए हर काम के लिए टाइम होना बहुत जरूरी है। हम एक चीज को पकड़ के दूसरी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्या है? हमको अपने लिए भी टाइम निकालना है, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है हमारे पास, उसको भी पूरा करना है। ये नहीं कि हम नेटवर्क में आगे चले जा रहे हैं, हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, हम मोदी केयर में हैं, हम ग्रोथ के लिए हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बार बार मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, जो टाइम कह रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन और चीज़ों से हम कटते चले जा रहे हैं। तो ये हमारी पूरी तरह से कोई भी ग्रोथ नहीं है। तो हमको लाइफ में बैलेंस चाहिए, हर जगह से बैलेंस। हमको अपना परिवार भी देखना है, हमको अपने आप को भी देखना है, हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखना है, जॉब भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट टाइमर मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो उनको अपना जॉब भी देखना है, प्रोफेशन भी देखना है और साथ में नेटवर्क भी देखना है। तो बैलेंस लाइफ बहुत जरूरी है मोदी केयर बिजनेस में। हम एक को पकड़ के दूसरे को छोड़ दें तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये बहुत जरूरी पार्ट है। और सबसे लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट, नेवर एवर क्विट योर बिजनेस। आप कभी भी अपने बिजनेस को छोड़ने की बात ना करें। शुरुआत थोड़ी सी कठिन होती है मोदी केयर बिजनेस में, शुरुआत में हमको 2 से 5 साल लगते हैं इस बिजनेस में खड़ा होने के लिए, और ये 2 से 5 साल में हमारे पास रिजल्ट बहुत कम आते हैं। लेकिन अगर ये 2 से 5 साल हम मोदी केयर बिजनेस को सीखने में लगा देते हैं तो ये बिजनेस हमको बहुत बड़ी दुनिया दिखा जाता है। लेकिन हमारे लिए वो जो 2 से 5 साल होते हैं ये बहुत कठिन होते हैं, और इन 2 से 5 सालों में ही ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में वो सीखते नहीं है,
सीखते नहीं है और उनको ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा बोरियत भरा लगता है। उनको लगता है कि शुरुआत में बहुत सारे लोग ना कर रहे हैं, रोज वही चीज सिस्टम में जाके हो रही है, वही रोज प्लान प्रेजेंटेशन हो रहा है, वही नीले पानी को सफेद किया जा रहा है, ये सारी चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा बोरियत होती है, तो वो इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं। लेकिन अगर यही सब चीजों को वो पकड़ के 2 से 5 साल मोदी के बिजनेस में दे देते हैं तो वो मुनीश चोपड़ा जी बन जाते हैं, वो शक्ति कुमार जी बन जाते हैं, वो हशलीन जी बन जाते हैं, और वो विवेक जी बन जाते हैं, गुरमैल जी बन जाते हैं, निधि जी बन जाते हैं, मनदीप जी बन जाते हैं, अंकुश जी बन जाते हैं। तो अगर हम मोदी के बिजनेस को नहीं छोड़ते हैं तो ये सारी उपलब्धियां हम पा सकते हैं। और लास्ट में मैं जरूर अपने विजन को रखना नहीं भूलूंगी कि फ्यूचर विजन हमारा मोदी केयर से क्या है, क्योंकि मोदी केयर सपनों का बिजनेस है, ये सपने सच करने का बिजनेस है, और यहाँ पे हम विजन जब तक नहीं बनाएंगे ये मोदी केयर बिजनेस हमको कुछ नहीं दे सकता। तो हमारे फ्यूचर विजन क्या है, 2021 दिसंबर तक हमने टीम के लिए जो बनाया है 1 करोड़ जीबी हमारी टीम क्रॉस करने वाली है दिसंबर 2021 में। उसमें होगा क्या, 2021 दिसंबर को जब हमारी टीम 1 करोड़ जीबी पूरा करेगी तो हमारी टीम में 1 लाख से ज्यादा इनकम देने वाले लगभग 21 लोग से ज्यादा लोग होंगे। तो ये खुशी का मौका होगा जहाँ पे हमारी टीम बहुत बड़े विजन के साथ में आगे बढ़ने वाली है। 100 कार्य दिसंबर 2021 तक हमारे ग्रुप में हमारी टीम में आने वाली है। 50 हाउस पॉइंट अचीवर्स हमारी टीम में 2021 तक आने वाले हैं। अब मैं अगर पर्सनल फ्यूचर विजन की बात करूं तो जो 100 कार्य हमारी टीम में आने वाली है उसमें 101 कार मेरी अपनी होगी, मर्सिडीज बेंज ई क्लास 70 लाख की मेरा पर्सनल अपना विजन है। 2021 में 5 लाख पर मंथ की इनकम मेरी मोदी केयर से होने जा रही है। मार्च 2022 में 11 लाख पर मंथ की इनकम मेरी अपनी पर्सनल होने जा रही है। और 2025 में गुड एंड फोटेज जो कि 5 करोड़ का है, मेरी बेटी का सपना है, ये नैनीताल में उनका एक बहुत बड़ा सपना है क्योंकि हमारा घर जो है वो नैनीताल में, हम लोग हल्द्वानी में रहते हैं और जरूर बनाना चाहती है। 2025 का हमारा विजन है कि 2025 में 5 करोड़ का कम से कम वुड एंड फोटेज हम नैनीताल शहर में बनाएंगे। ये सारी चीजें पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ मोदी के लिए, और इसके लिए मैं थैंक्स करना कभी नहीं भूलूंगी हमारे मोदी के को, जिसने कि हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम इतने बड़े सपने एक नॉर्मल सी हाउस का इतने बड़े सपने देख पा रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक मैम का नेटवर्क इश्यू है, वेट कीजिए। सॉरी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है बार बार, एक मिनट है, एक लास्ट स्लाइड बचिए। ये इनके लिए थैंक्स करना हम हमारे मोदी केयर सिस्टम को, समीर मोदी जी को, जिन्होंने कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमको क्रिएट करवाया है। हम जैसे नॉर्मल इंसान जो कि आज तक सिर्फ दाल रोटी की सोच रहे थे, आज इतने बड़े बड़े सपनों को सच करने की बात सोच पाना
कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया जब इसका उत्तराखंड में कोई नामो निशान नहीं था। उनका विजन इतना बड़ा था, जैसा मैंने बोला कि जो चीज आप उस टाइम मोदी केयर बिजनेस में सोच रहे हैं कि ये मोदी केयर बिजनेस आपके लिए वर्क कर सकता है, तो आलोक जी ने इसके विजन को आज से लगभग 7 साल पहले, जब उत्तराखंड में कुछ भी नहीं था, यहाँ कोई सक्सेस नहीं थी, कोई अचीवर नहीं था, कोई इनकम बेस कुछ भी नहीं था, ना कोई डीपी था, ना कुछ था, उस टाइम पे इन्होंने इस विजन को आज से 7 साल बाद के विजन को देख लिया था कि मेरे घर में खुशियां आएंगी, मेरे घर में लाखों रुपए की इनकम आएगी। तो आलोक जी का थैंक्स करना हम कभी नहीं बोलेंगे, और सबसे बड़ा थैंक्स सुरेखा मैम करना कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुरेखा मैम एक ऐसी मेंटर, एक ऐसी गुरु है जो कि मतलब पत्थर को हीरा बना देती है। ये ऐसी सक्सेसफुल लीडर है जो खुद तो उस मार्ग पे चल चुकी है, उस रास्ते पे चल के उन्होंने सक्सेस ले ली है, लेकिन वो आज हम जैसे नॉर्मल इंसान को, हम जैसे इंसान को आज ऊपर उठा के सक्सेस का रास्ता दिखा रही है। तो सुरेखा मैम को थैंक्स करना कभी नहीं भूलेंगे, और सबसे ज्यादा थैंक्स हम अपनी प्यारी प्यारी टीम को और अपनी फैमिली को करना कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और हमारी फैमिली, मेरी फैमिली ने मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, और मेरी बहुत लवली टीम, मेरी प्यारी प्यारी टीम, जिनके कारण ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। उनके बिना सपोर्ट के, पूरी टीम के बिना सपोर्ट के ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और थैंक्स करना कभी नहीं भूलूंगी मैं मुनीश सर का, शक्ति सर का, हर्षनी जी का, और साथ में विवेक जी का। विवेक जी को हम जरूर याद करते हैं। एक मिनट में ये स्लाइड कर सकते हैं। Over to her, Sheetal ma'am. Yes, yes. एक मिनट सर, एक मिनट। विवेक जी को हम याद करना कभी नहीं भूलते, क्योंकि विवेक जी ओम शांति। मैं विवेक जी को जरूर बोलना चाहूंगी, और जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं। मनदीप कौर सिंधु जी को हम थैंक्स करना नहीं भूलेंगे। अंकुश जी को, अंकुश जी जो कि यूट्यूब के राजा हैं, हम हमेशा अंकुश जी को सुनते हैं यूट्यूब में। अंकुश जी आपको, आप बहुत मोटिवेटर हैं, बहुत अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं यूट्यूब में, तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। वाओ वाओ, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने बिल्कुल हमारा सबका माइंडसेट, विजन क्लियर कर दिया, और आई होप जितने भी आज कंसल्टेंट इस मीटिंग को देख रहे हैं वो एकदम से उन्होंने एक डिसीजन ले लिया होगा आज कि इतने स्ट्रगलिंग फेस से निकलकर आपने कितनी कामयाबी हासिल की है, और आपकी जो स्ट्रगल, और जैसे आपने पैसिव इनकम पाई, वो छोटी सी इनकम भी, जब आपको दोस्तों अगर 800 रुपया भी इस बिजनेस से बिना कुछ किए आ रहा ना, दैट इज योर पैसिव इनकम। और मैम ने यही हमें दिखाने की कोशिश की है आज कि पैसिव इनकम इसी बिजनेस से हम पा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और आज मैम ने हमें ये भी सिखा दिया है कि अगर हम पर्सनली ग्रो नहीं होंगे तो इस बिजनेस से निकाल दिए जाएंगे। आज ये बिजनेस, इस बिजनेस में आकर अगर हम चेंज नहीं हुए तो हम चेंज कर दिए जाएंगे। दोस्तों बहुत बढ़िया, और थैंक यू सो मच मैम, बिग क्लैप्स टू यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। और अब मैं हमारे ग्रेट ग्रेट जो हमारे जीवीडी हैं डॉक्टर शक्ति जी को इनवाइट कर रही हूँ, वो मैम का थैंक्स करेंगे अभी आकर। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। थैंक यू कांता साहब। मैम वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू मैम ऑलवेज। आपने गागर में सागर भर दिया, सिंपल भाषा में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी, और हम सारे, हमारे जो टीम है, टीममेट्स हैं, सबने सिंपल भाषा को समझ के और आपका सारे थैंक्स करना चाहेंगे। और एक आपने जो बात बताई कि हॉस्पिटल में एक साल तक लगातार रहे, लेकिन 80,000-90,000 की इनकम जो आते रहा, आप रियल एग्जाम्पल हैं हमारे पैसिव इनकम का, कि मोदी केयर ऐसी कंपनी है जो हर सिचुएशन में हर समय साथ देता है। लेकिन एक बार
आपको अपने बिजनेस को निर्माण करना पड़ता है। तो आपने अपने मुंह से सारी बातें बताई, दिल को टच हो गया, दिमाग जो है झकझोर दिया कि पैसिव इनकम क्या होता है, और आपने जो अपने ऊपर जो बातें बताई, जो अपने आपके साथ हुआ, एक तो होता सुनी सुनाई बातें, जो आपके साथ हुआ, आपने उस माहौल को उसको जिया है, देखा है कि मोदी केयर आपको रिवर्स कंडीशन में भी आपको कितना सपोर्ट किया है। मैम हम सबको एक विश्वास नया डाल दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे टीम में टीचिंग दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे ग्रेट रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मनदीप कौर सिद्धू जी महाराष्ट्र से, मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, थैंक यू सो वेरी मच शीतल जी, वेलकम। कांता मैम, मैं आपको दिल्ली में मिली थी और तब मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी हमें आपकी टीचिंग मिलेगी। आई एम रियली ग्रेटफुल जिस तरीके से आपने बातें बोली। आप बात कर रहे थे तो मेरे को मेरे एक स्कूल की टीचर की याद आ रही थी। आप इतने सिंपल वे से, इतनी जबरदस्त तरीके से आपने जो टीचिंग दी, और आपकी पीपीटी में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो छूटा है। आपने सारे के सारे पॉइंट प्रॉपर वे से कवर कर हमें बताया, और जैसे अभी डॉक्टर शक्ति सर ने बोला है कि झंझोड़ के रख दिया, वो बिल्कुल सच्ची बात है। मैं इस समय बारिश में बैठी हूँ, मच्छर भी है, लेकिन मैं यहाँ से उठना नहीं चाहती थी कि अंदर अगर गई तो किसी के साथ बात करनी पड़ेगी। मैं इस मीटिंग का एक भी शब्द जो है अभी और कम नहीं करना चाहती थी। थैंक यू सो वेरी मच आप आए, एंड हम यही विश करते हैं कि आप बार बार आए और हम आपसे सीखते रहे। थैंक यू सो मच, ओवर टू शीतल मैम। वेरी गुड, वंडरफुल मैम, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा। आगे हमारे साथ हैं महाराष्ट्र से डायरेक्टर मैम, प्लीज आप मैम का थैंक करने के लिए मैम आपको इनवाइट कर रही है। यस जी मैम। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग मैम। मैम जब हम दिल्ली में मिले थे, सही में रियल बात बोलूं कि उसी दिन आपकी बातें मेरे दिल को छू गई थी। वो पर्सनालिटी, वो आपका सोबर और सिंपल सा स्वभाव मुझे याद रहा। और जब आज सर ने अनाउंस किया था कि आज आपका सेशन है, मैं सवेरे से इस सेशन की राह देख रही थी, और इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल सेशन आज आपने दिया कि एक सिंपल सी जो 7% पे भी अगर पर्सन है ना, तो उसने अपना पूरा प्लानर बना लिया होगा कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है और मुझे 100% मोदी केयर इस तरह करना है, इस तरह का प्लानर आपने दे दिया। तो सही में तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आज हमारे टीम को आपने इस तरह बिल्ड कर दिया मैम, कि आपकी टीम के वैसी ही हमारी स्ट्रॉन्ग टीम बनेंगी। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब हमारे साथ हैं अगेन क्राउन डायमंड डायरेक्टर, बहुत ही ग्रेट लीडर रंजीत माहल जी, सर अनम्यूट कीजिए। थैंक यू थैंक यू मैम। आज आपने बहुत सिंपल से तरीके से इतने बढ़िया टीचिंग दी है कि कोई भी आदमी, चाहे कोई किसी भी हालात में है, वो इस बिजनेस को बिल्ड करेगा ही करेगा। क्योंकि आपने जो सिक्योरिटी बताई ना, आज किसी भी आदमी के पास कोई ऐसी इनकम नहीं है जो पैसिव इनकम हो, जो कल को वो काम नहीं करेगा तो उनकी फैमिली को आएगी। तो आज सभी दोस्तों ने डिसीजन लिया होगा, जो नए दोस्त हैं उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि हम भी कुछ ऐसी इनकम क्रिएट कर पाए कि कल को हमें कुछ चैलेंज भी आए तो हमारे बच्चों को या उनके बच्चों का भी चैलेंज ना आए, को पैसे का चिंता ना हो। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच कांता मैम। आज आपने सबकी आंखें खोल दी और सबके दिमाग पूरे खुल चुके हैं, और सभी अब क्या है, और ज्यादा एक्शन में आ जाएंगे और ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करेंगे, बिकॉज जो आपने हमें टीचिंग्स आज दे दी है, हम सभी इन टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, हमारी टीम फॉलो करेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अपनी स्टोरी आपको खुद चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी जिंदगी चेंज करनी है। सो थैंक यू सो वेरी मच कांता मैम, वंस अगेन थैंक यू सो मच। और मुनी सर की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू मैम।